हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दी चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर एट दैट इज क्वारेटर्स की एक्सरसाइज एट टू इससे लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन वन टू फाइव डिस्कस किए थे और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन सिक्स को डिस्कस करेंगे जो कहता है शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वारिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स अगर हमारे पास कोई क्वारिलेट्रल गिवन है और क्वारिलेट्रल की चारों ही साइड्स के मिड पॉइंट्स भी हमें गिवन है तो उन मिड पॉइंट्स को अपोजिट मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर दें तो वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ये हमें प्रूफ करके दिखाना है तो कैसे हम इसे प्रूफ कर सकते हैं सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से एंड गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं फिर देखते हैं हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं सो so स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया और सेम चीजें गिवन में लिख ली सबसे पहले ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इसको हम नेम कुछ भी दे सकते हैं अपनी तरफ से तो हमने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जिसमें पी क्यू आर एंड एस चारों ही साइड्स के मिड पॉइंट हमें गिवन है देन टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है पी आर एंड एस क्यू एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करते हैं मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है ये चारों जो साइड्स हैं इन्हें हमें आपस में मिला देना है मींस ज्वाइन कर देना है तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं ज्वाइन पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी चारों को हमें ज्वाइन कर लेना है इसके अलावा एक चीज और एक हमें डायगोनल को भी ज्वाइन करना है चाहे तो ए सी को चाहे तो बी डी को भी कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो ज्वाइन ए सी ये हमारी कंस्ट्रक्शन है तो फटाफट से ज्वाइन कर लेते हैं इन्हें पी क्यू आर एस ए सी को भी ये कंस्ट्रक्शन हमें डॉटेड लाइन से करनी होती है वैसे पर अभी ताकि आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए मैं प्लेन लाइन ही बना रही हूं लाइन सेगमेंट्स ये हमारी कंस्ट्रक्शन है तो अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं सिंपल सा प्रूफ है इसका मिडपॉइंट थ्योरम का यूज करते हुए हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम एक-एक करके दो ट्रायंगल्स लेंगे तो सबसे पहले हम शेडेड वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं उससे भी पहले हम लिखेंगे यूजिंग मिडपॉइंट थ्योरम सबसे पहले शेडेड वाले ट्रायंगल का नाम क्या है इन ट्रायंगल ए डी सी या चाहे तो दोनों को साथ-साथ ले लेते हैं यहां पे जो विदाउट शेडिंग वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी इसको ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी तो सबसे पहले ए डी सी वाला ट्राइंगल में एस ए डी का मिड पॉइंट है एंड आर डी सी का मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी एस ए डी का मिड पॉइंट है एंड आर डी सी का मिड पॉइंट है सेम ऐसे ही नीचे वाला ट्राइंगल में लिख सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी सी ए बी का मिड पॉइंट है एंड क्यू बी सी का मिड पॉइंट है देयर फोर इस वाले में हम लिख सकते हैं एस आर जो है वो एसी के पैरल भी होगा एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी होगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्योंकि हम यहाँ पे मिड पॉइंट थियोरम का यूज कर रहे हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो वो थर्ड साइड के पैरल होते हैं और थर्ड साइड की हाफ होती है तो हम लिख सकते हैं देयर फोर एस आर इज पैरल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी सेम इस तरफ भी हम लिख सकते हैं देयर फोर पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल भी होगी एंड पी क्यू जो है वो ए सी का हाफ भी होगी मींस हमने क्या किया एस आर के पैरेलल है एसी और पी क्यू भी एसी के पैरेलल है मींस ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी एंड एस आर ए सी का हाफ है पी क्यू भी एसी का हाफ है मींस एस आर एंड पी क्यू आपस में इक्वल होंगे तो इन दोनों इक्वेशंस को हम फर्स्ट एंड सेकंड मान लेते हैं और अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड के एस आर पैरल है के इसका मतलब ये जो quadrilateral था PQRS, हमने इसका वन अपोजिट साइड का जो पेयर था उन्हें पेरल एंड इक्वल प्रूफ कर दिया मीन्स ये एक पेरलेलोग्राम होगा सो वी कैन राइट हेयर देअर फोर पी क्यू आर एस इज अ पेरलेलोग्राम पी क्यू आर एस एक पेरलेलोग्राम है अब सिंपल सा हमें क्या प्रूफ करना था कि पी आर एंड एसक्यू एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं हमने पी क्यू आर एस को एक पेरलेलोग्राम प्रूफ कर दिया और हमें ये बात पता है कि पेरलेलोग्राम के जो डायगेनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एंड पी आर एंड एसक्यू तो पी क्यू आर एस के डायगेनल्स ही है तो वो भी आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो अब हम लिख सकते हैं वी नो दैट नो दैट डायगनल ऑफ अ पैरलेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देयर फोर पी आर एंड एस क्यू बाईसेक्ट ईच अदर यही हमें प्रूफ करना था कि पी आर एंड एस क्यू एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और यही हमने चीज प्रूफ कर दी Hence, proved.